फ्रेंड फिर से मैं लाया हूँ आपका प्रैक्टिस सेट इंडियन एयर नेवी MR AA-SSR का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप देख पा रहे होंगे एफ एक्स का वैल्यू दिया है 3x-3। एक्स का वैल्यू जब 2 से बड़ा या बराबर रखेंगे तब इस फंक्शन का यूज करेंगे, अन्यथा एफ एक्स का वैल्यू एक्स ही यूज करेंगे कब, जब एक्स का वैल्यू 2 से छोटा है। तो आप देख पा रहे होंगे हमें एफ ऑफ 1 का वैल्यू पूछा है, 1 जो है 2 से छोटा है, इसका मतलब है कि वो एक्स ही वैल्यू हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू एक्स तब होगा जब एक्स का वैल्यू 2 से छोटा रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे एक्स का वैल्यू एक्स ही हो जा रहा है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स कब, जब 2 से वैल्यू छोटा है, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 4/5 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो ए 10th का फार्मूला से आप जानते होंगे साइन एक्स बराबर बी बाई एच होता है, लम बटा कर्ण, तो उस फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कॉस इनवर्स 3/5 है, ये बी का वैल्यू होता है, ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा वैल्यू बी बाई एच होता है, तो यहाँ बी और एच का वैल्यू दिया है, तो इससे हम लोग पी का वैल्यू निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो पी का वैल्यू आएगा 4, और उसके बाद कॉस इनवर्स 4/5 है, तो अब कॉस इनवर्स 3/5 को ही हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स पी बाई एच, और पी का वैल्यू आया 4, तो साइन इनवर्स 4/5। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं अब साइन इनवर्स 4/5, और ये तो कॉस इनवर्स 4/5 है ही है, तो अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों का वैल्यू π/2 होता है, और ये पाइथागोरस थ्योरम तो जानते होंगे कि p² = b² प्लस bh² = p², उससे हम लोग पी का रिलेशन निकाल लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे साइन वर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू आया π/2, क्योंकि फार्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसका आंसर आएगा π/2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 78 नंबर, एफ एक्स का वैल्यू दिया है x² + 1, और हमें एफ डैश एक्स का चाहिए। एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन करना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो होगा x² का बनेगा 2x, और +1 का कोई 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा डिफरेंशिएशन बन के 2x, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दिस चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट का, लिमिट बोल रहा है x→e और log x-1/x-e। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लिमिट x→e है, log x-1/x-e है, तो यहाँ log x-log e, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, और नीचे x माइनस ए है, तो नीचे वाला जो ऊपर वाला फंक्शन सेम रहता है, तो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का बनेगा 1/x, क्योंकि देखिए 1 का वैल्यू लॉग ई, तो लॉग ई रखे हैं, तो x-e और ऊपर भी x-e है, तो दोनों सेम है, तो जो हम बोल सकते हैं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और 1/x के में अब x के जगह पे e रख देंगे, यानी क्योंकि लिमिट जो है x→e है, तो x की जगह पे e रखेंगे तो आंसर बनेगा 1/e। चलिए देखते हैं 1/e ऑप्शन कौन सा है, तो 1/e ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर रूट एक्स, तो रूट एक्स जब जब रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है 1/2√x, यानी कि याद रख लीजिए कि y बराबर रूट एक्स अगर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, नहीं तो आप इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं आपको। अगर मान लिया कि y बराबर रूट एक्स है, तो रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x^(1/2), और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो x^(n) का फार्मूला होता है n(x^(n-1), तो n-1 के करने के बाद -1/2 आएगा, इसको नीचे ले जाएंगे तो 2√x बनेगा। उससे बेहतर है रूट एक्स का याद कर लीजिए, कहीं भी यूज पड़ सकता है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2√x। नेक्स्ट है tan x dx का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है, ये भी फार्मूला बेस्ड है, इसका आंसर होता है log के अंदर sec x + c, log के अंदर मोड में होता है sec x, जो कि नहीं है, तो कोई बात नहीं है, ये भी आंसर सही होगा। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, या तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं u/v पे, sin x बाई cos x इसको कर सकते हैं, उससे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो बेहतर रहेगा कि इसका फार्मूला याद ही रखिए, क्योंकि डायरेक्टली भी यूज करना पड़ सकता है, तो tan x का जो इंटीग्रेशन होगा log mod of sec x + c होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग,
ए का सेट दिया हुआ है, बी का सेट दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कोनों। तो आप आइए देखते हैं, ए बी सी डी ई है, इसमें सी डी ई एफ है, तो दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो सी दोनों में है, डी को दोनों में है, ई दोनों में है, तो सी डी ई करेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। क्योंकि कॉमन का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन बनेगा सी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है ए का सेट दिया हुआ है और एक यू का सेट दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि ए डैश को अगर डैश करेंगे, यानी कि आप जानते होंगे कि अगर ए डैश को अगर दोबारा से डैश करेंगे तो पुनः वही ए मिलता है, यानी कि अगर ए को अगर डैश करेंगे और अगर उसी को दोबारा से अगर डैश करते हैं तो खुद वही आ जाता है। ये प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स में भी होता है और सेट में भी होता है, तो आप खुद सोचिए कि अगर ए डैश है उसको दोबारा से करेंगे तो ए मिलेगा, और ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर 3 है, तो यहाँ 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 2 -5, इसका एडज्वाइंट ए निकालना है। तो एडज्वाइंट ए के लिए आपको पहले जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्यूशन किया जाता है, देन ऑड पैलेस पे निगेटिव लगाया जाता है। चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं कि एडजॉइंट कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अगर मान लिया कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए के लिए आपको पहले करना पड़ेगा, जैसे 1 के लिए अगर काम करेंगे तो आजू बाजू वाला छुपाएंगे तो बचेगा -5, -5 यहाँ रख दिया। 2 को अगर छुपाएंगे तो ये बनेगा 3, 3 रख दिया। अब हम बाद में बताएंगे कि हाँ माइनस कैसे आया है। 3 के जगह पे 3 को छुपाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ 2 रखे हैं, माइनस के बारे में हम डिस्कस करेंगे भी जस्ट। यहाँ का अगर बात करें तो यहाँ पे अगर छुपाएंगे तो बचेगा 1। अब आप देख पा रहे होंगे इसका पोजिशन 1 1 है, यानी कि 2 1 1 पोजिशन, यानी कि इवन पोजिशन हुआ 1 1 और 2, और ये रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 है, तो 1 और 2 मिलकर 3 बन गया, जो कि ऑड पैलेस पे है इसलिए निगेटिव आया है। यहाँ पे रो नंबर 2 कॉलम 1, इसलिए यहाँ भी ऑड पैलेस हुआ इसलिए निगेटिव लगा देना है और इसका ट्रांसपोज करना है। एडजॉइंट ए में आप डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करने के बाद आपको ऑड पैलेस पे निगेटिव दिया जाता है और उसका ट्रांसपोज किया जाता है। ट्रांसपोज में आपको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज किया जाता है, तो इसको चेंज करने के बाद जो ऑप्शन आया दिख रहा होगा -5 -2 -3 और 1, तो -5 -2 -3 और 1 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट बिल्कुल इजी है, आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं कैसे कैसे काम करते हैं डिटरमिनेंट का। तो डिटरमिनेंट का जो सॉल्यूशन है वो पहले 1 को लेंगे, तो पहले 1 को लेंगे तो आजू बाजू वाले छुपेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीसन 20 25 100 -14 97 98, उसके बाद 2 वाला को लेंगे तो बीच में माइनस लेकर लेंगे -2, और उसके आजू बाजू वाले छुपाएंगे तो 20 30 60 -14 25 70, सॉरी 10 7 70, और फिर अगर 3 को लेंगे, इस 3 को लेंगे तो आजू बाजू वाले छुपेगा 14 3 42 -50। अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, मतलब आपस में सभी कट जाएंगे तो आंसर आएंगे 0। तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 0 और ऑप्शन नंबर 3 में 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सम दिया हुआ है, आप खुद से देखिए इन्फिनिटी तक इसका सम निकालना है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस ए के पावर 4, इस तरह का सम इन्फिनिटी तक निकालना है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ें किस में है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम दिखाते हैं। s बराबर a प्लस बी, a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू ऐसे करके है, तो आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ें जीपी में है। जीपी में इसलिए है क्योंकि ए बाई वन ए स्क्वायर को ए से भाग करेंगे तो ए बच रहा है, यानी कि सब में जो रेशियो है ना वो ए बच रहा है, तो रेशियो ए हो गया। और हमें सम का फार्मूला पता है 1/1 -r होता है, तो यहाँ सम का फार्मूला लगाया 1/1 -a, क्यों? क्योंकि रेशियो ए है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो एस बना और प्लस माइनस माइनस ए एस बराबर 1, और यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू आएगा s-1/s। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, s-1/s ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बोल रहा है कि ए बी सी जी पी में है तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो अगर ए बी सी जी पी में होता है तो बीच वाला जो टर्म्स होता है उसका स्क्वायर और किनारे वाले उसके गुणनफल के बराबर होता है,
एक प्रॉपर्टीज है जीपी का, याद रखिएगा कि अगर लगातार कोई टर्म्स अगर जीपी में होता है तो बीच वाला जो टर्म्स है उसका स्क्वायर उसके आजू बाजू वाले किनारे वाले का मल्टीपल के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी का, तो बी बराबर बनेगा रूट ए सी। तो यहाँ पे जो तो बी बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर ए सी, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि आयोटा बराबर एक्स आयोटा प्लस वाई है, तो इसमें से किसका किसका वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल आयोटा बराबर एक्स आयोटा प्लस वाई है, तो दोनों में तुलना करेंगे तो यहाँ राइट साइड में आई का कॉफिशियंट एक्स है और लेफ्ट साइड में आई का कॉफिशियंट वन है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्स की जगह पे वन होगा। और राइट में वाई का वैल्यू वाई है लेकिन लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि जीरो है, इसलिए वाई का वैल्यू जीरो है। तो दोनों को कोरिलेट करेंगे, तुलना करेंगे दोनों को, तो हम लोग को पता चलेगा कि एक्स बराबर वन आएगा और वाई का वैल्यू जीरो आएगा। बहुत सिंपल सवाल था, दोनों तरफ सिर्फ देखना था। तो इसका आंसर आएगा एक्स बराबर वन और वाई बराबर जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी में साइन ए और साइन बी का रेशियो एक्स और रेशियो वाई दिया हुआ है, तो उसके साइड का यानी कि ए बी साइड होते हैं और बड़ा ए बड़ा बी ये सब एंगल हैं, तो अगर साइन के साथ ए और बी का जो रेशियो है वो एक्स रेशियो वाई है, तो बिल्कुल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है कि उसके ए और बी वाला जो साइड है उसका रेशियो भी सेम ही होता है, एक्स रेशियो वाई होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट है, कोस थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा। तो एक ए प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल का कि अगर कोस थीटा प्लस वन बराबर जीरो है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर माइनस वन। जब कोस थीटा बराबर माइनस वन हो गया तो थीटा बराबर टू एन पाई प्लस माइनस पाई के बराबर होता है, टू एन पाई प्लस माइनस पाई, क्योंकि कोस थीटा जो है इधर आएगा तो माइनस वन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस इनवर्स कोस एक्स का वैल्यू एक्स सेटिस्फाइड करेगा किसके किसके बीच में। तो कोस इनवर्स कोस एक्स का वैल्यू एक्स तभी होगा जब एक्स का वैल्यू जीरो से 180 के बीच होता है, जीरो से पाई होता है। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स रहता तो एक्स का वैल्यू माइनस वन से वन होता। तो ये चीज़ों को याद रखिए, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बिल्कुल रूल्स है, बोल सकते हैं कि तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उसके लिए कंडीशन को वेरीफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, साइन के साथ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन है, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस के पावर फोर एक्स का वैल्यू क्या है। ये फोर लिखा हुआ है, तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू वन दिया हुआ है, तो हमें पूछा जा रहा है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस के पावर फोर एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू वन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन एक्स बराबर इस साइन स्क्वायर एक्स को राइट साइड ले जाएंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, और टेंथ के फार्मूले से वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो बराबर हुआ कि साइन एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स, अब अगर दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर कोस के पावर फोर एक्स। और हमें जो सवाल में पूछा है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस के पावर फोर एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो कोस स्क्वायर एक्स जो वैल्यू है वो साइन एक्स के बराबर है, तो यहाँ साइन एक्स रखेंगे, और कोस के पावर फोर एक्स का जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे। और मिला जुला कर फिर से हम वहीं पहुँच गए हैं जो सवाल में दिया हुआ था। सवाल में दिया हुआ था कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू वन है, फिर से वही रिलेशन आ गया, तो इसका वैल्यू वन होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर देख पाते हैं, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होता। सवाल बोल रहा है कि साइन 75 डिग्री इनमें से कौन सा सही है। तो साइन 75 का मतलब समझते होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन 75 को अगर 90 में से घटाएंगे तो कोस में आएगा 15 डिग्री, क्योंकि साइन है, अगर हम लोग 90 में से घटाएंगे तो साइन का उल्टा कोस हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो यहाँ से लिख लेंगे कोस 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू है मॉड ए और इंटू मॉड बी, तब बोल रहा है कि इसके बीच का एंगल कितना होगा। आप देख पा रहे होंगे ए डॉट बी बराबर मॉड ए और मॉड बी का मल्टीपल दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए डॉट होता है कॉस थीटा, यानी ए बी। अब दिखाते हैं सॉल्यूशन, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी है, ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर ये चीजें क्रॉस रहता तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, क्योंकि ये रूल्स प्रॉपर्टीज है वेक्टर का,
डॉट प्रोडक्ट का, या फिर बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, कि अगर डॉट रहेगा तो कॉस थीटा, अगर क्रॉस रहेगा तो साइन थीटा, और जो मोडे मोड बी के बराबर है, एक मरतबा में कटेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 आएगा। तो थीटा का कितना मान पे, थीटा के कितने डिग्री मान पे 1 होता है, तो 0 डिग्री बोल सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 0। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, 0 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, या तीसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों के बोल रहा है कि दो वेक्टर लंबवत होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री पे होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए एक इसका प्रॉपर्टीज है वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट का, कि अगर डॉट 0 हो जाए, अगर दो कोई वेक्टर रहे, अगर दोनों का अगर डॉट 0 हो जाए ना, तो वो दोनों वेक्टर जो है हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। और सवाल में, इस सवाल में बोल चुका है कि ये परपेंडिकुलर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब परपेंडिकुलर बोला है तो डॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हम इस तरह से कंक्लूजन निकालें, और जानते हैं कि लंबवत में ए डॉट बी बराबर 0 होता है, तो दोनों का डॉट 0 आनी चाहिए। इस तरह से डॉट निकालने के बाद लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो -7/2 आएगा। डॉट निकालना जानते होंगे कि हमेशा आयोटा आयोटा के वाले कोफिशियंट से मल्टीपल करते हैं, जैसे 2 लैम्डा, 1 को 3 के साथ 3, और के कोफिशियंट 1, और इसका 4, तो 4 1 जा 4। इस तरह से हम लोग लैम्डा का सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, पी ई डैश का वैल्यू दिया है, यानी कि नहीं होने का प्रोबेबिलिटी दिया है, और यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालना है कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना हुआ। तो प्रोबेबिलिटी होने या नहीं होने का हमेशा एक में से घटाया जाता है। अगर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि अगर किसी घटना की प्रायिकता अगर 2/4 है, तो उसके नहीं होने का, तो एक में से हमेशा घटाया जाता है। सिंपली अगर हम लोग बात करें तो इसका जो आंसर बनेगा वो 1 में से घटाने पे आएगा, 1 -1/x, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो x-1/x आएगा। जो भी घटाने पे आएगा तो उसका आंसर 1 x-1/x होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 97, उस सरल रेखा के समीकरण क्या होगा जिसका ढाल m है, यानी कि स्लोप दिया हुआ है और बिंदु अल्फा बीटा से गुजरती है, तब समीकरण क्या है। तो स्लोप अगर हमको दिया है m और उसका कोऑर्डिनेट्स दिया है अल्फा बीटा, तो फार्मूला क्या बनेगा, तो y-बीटा और x-अल्फा को m से गुना किया जाता है, यानी कि x के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको स्लोप से गुना किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, और तीसरा का मतलब है कि y-बीटा बराबर m इंटू x-अल्फा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है, ब्रीथ x²+y²3 पर बिंदु अल्फा बीटा से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, ये तो इक्वेशन होता है किसी भी ब्रीथ का, x²+y²(2gx), ये सब तो यहाँ बराबर 3 दिया है, तो ये ब्रीथ का इक्वेशन है। बोल रहा है अल्फा बीटा एक बिंदु है, उससे स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो उसका लंबाई कितना होगा। तो इसका जो लंबाई होगा वो α²+β²-3 होगा, यानी कि जैसे इसका स्क्वायरिंग है वैसे ही अल्फा दोनों कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर कर देना है, और जो कांस्टेंट दिया रहेगा बराबर के उसको माइनस कर देना है और रूट अंडर कर देना है। तो इसका स्पर्श रेखा की लंबाई होता है, फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर देखिए, उस द्विवृत्त का उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। उत्केंद्रता का मतलब है ई निकालना, उत्केंद्रता को ई बोला जाता है। ज्ञात कीजिए जिसका नाभिक लंब उसका दीर्घ अक्ष का आधा है, यानी कि दीर्घ अक्ष का आधा बोल रहा है उसका नाभिक लंब। तो चलिए तब क्या रिलेशन बनेगा, चलिए देखते हैं इसका। तो हम मानते हैं कि दीर्घवृत्त का जो इक्वेशन है, दीर्घवृत्त का x²/a²+y²/b² जो 1 के बराबर है, और दीर्घ अक्ष जो होगा यहाँ पे 2a होगा, और लघु अक्ष 2b होगा, और नाभिक का लंबाई का फार्मूला, या फिर बोल सकते हैं यही लेटस रेक्टम का फार्मूला है, 2b² / a। अब 2b² a करने के बाद हम लोग अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न जो बोल रहा है कि दीर्घ अक्ष का आधा है, तो इसका जो लेटस रेक्टम होगा, नाभिक का लंबाई होगा 2b² / a, वो किसके बराबर होगा। तो बोल रहा है दीर्घ अक्ष के आधा, यानी कि 2a/2। इस तरह से हम लोग 2 से 2 काट दिए, यहाँ बनेगा क्रॉस प्रोडक्शन में 2b² / a। और यहाँ एक और इक्वेशन का इक्वेशन होता है इसके लिए, दीर्घवृत्त या फिर बोल सकते हैं किसी भी सर्किल के लिए ये रिलेशन होता है उत्केंद्रता में। उत्केंद्रता में क्या रिलेशन होता है कि b² = a² × 1 - e² यहाँ से अगर बात करें तो ए स्क्वायर को यहाँ बटा में ला सकते हैं, और बराबर 1 - e², और ए स्क्वायर किसके बराबर है, तो ए स्क्वायर 2b² के बराबर है। 2b² पुट करेंगे तो b² कटेगा, यहाँ बनेगा 1/2, तो 1/2 = 1 - e²
तो ई यहाँ से ई का वैल्यू निकाल लेंगे उत्केंद्रता का, तो वैल्यू निकलेगा 1/√2, क्योंकि यहाँ से ई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 1/2, और 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, और ई का जो वैल्यू होगा 1/√2 होगा। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट बोल रहा है कि e^x है, x का एक्सपेंशन करेंगे तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो ये बिल्कुल प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखा जाता है एक्सपेंशन का, कि e^x का एक्सपेंशन क्या होगा। e^x का एक्सपेंशन होगा 1 + x/((1+x²)/(2+x³)/(3)/(3), ऐसे करके इन्फिनिटी तक चलेगा। यानी कि इसका एक्सपेंशन होता है e^x का 1 + x²((+x²)/(2+x²)/(3), ऐसे करके इन्फिनिटी तक चलता है। तो e^x का एक्सपेंशन याद रखिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज है, कुछ एक्सपेंशन ऐसे भी होते हैं जिनको याद रखना पड़ता है। तो ये फार्मूला बेस्ट था। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ आज का ये 25 मॉडल क्वेश्चन सेट का। तो आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहें, हम सब चीज़ का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू।